ओके अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल गैस इक्वेशन से। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी जनरल गैस इक्वेशन है, जिसके अंदर पी जो है प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है गैस के, वी वॉल्यूम को, स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल आर जो है वो मोलर गैस कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 8.31 जूल पर कैल्विन, और लास्ट में टेम्परेचर जो है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि कैल्विन के अंदर टेम्परेचर होगा। अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में गिवन होगा तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कैल्विन में। जी अच्छा भाई, तो यहाँ तक हमने इसको छोड़ा था, अब हम आगे देखते हैं कि क्या कहा जाता है हमें और फिर सवाल कैसे होते हैं। जनरल गैस जो होगी वो हर टेम्परेचर प्रेशर पे इसको फॉलो करेगी, जबकि रियल गैसेस जो हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन है, डिफरेंस क्या है, आइडियल गैस जो है वो हमारे जो आइडियल गैस के बिहेवियर को फॉलो करेगी, जबकि जनरल गैस जो के रियल गैसेस हैं वो इससे डेविएट करेंगी, तो वो सिर्फ रूम टेम्परेचर प्रेशर पे इसको ओबे करेंगे, जो कि आरटीपी कहलाता है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर आपको गिवन होगा, उस हिसाब से आपको उसको फॉलो करना। रूम टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है भाई, 1 atm का प्रेशर होगा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका रूम टेम्परेचर होगा, अनलेस स्पेसिफाइड। हाँ, अगर कोई अलग टेम्परेचर गिवन है तो फिर उस पर करोगे। हाउएवर द टेम्परेचर इज ग्रेटली डिक्रीज और द प्रेशर इज वेरी हाई, सो नो दे नो लॉन्गर बिहेव इन दिस वे, फिर क्या होगा, डेविएशन हो जाएगी, फिर ये इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, अगर बहुत डिफरेंस आ गया जनरल गैस उसमें रूम टेम्परेचर प्रेशर से इन गैसेस पे। सही हम एक वर्क एग्जांपल देखते हैं। अ सिरिंज ऑफ वॉल्यूम 25 cm³ होल्ड्स हाइड्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 1.02 × 10⁵ pascals एंड टेम्परेचर 280 केल्विन। तीनों चीजें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 25 cm³, हाइड्रोजन का, और प्रेशर कितना है 1.02 × 10⁵ pascals और टेम्परेचर है 280 केल्विन, सही है। द वॉल्यूम ऑफ द जी गैस इज रिड्यूस्ड टू 10 cm³, कम हो गया वॉल्यूम, तो टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय 5 केल्विन, इसमें इंक्रीमेंट क्या आ गया, 5 केल्विन का आ गया। कैलकुलेट द न्यू प्रेशर ऑफ द गैस, न्यू प्रेशर कैसे निकालेंगे गैस का भाई, हमने वही फॉर्मूला ये फॉर्मूला PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट रिलेशनशिप था हमारा, जिससे जी जनरल गैस इक्वेशन बनी थी, क्योंकि पीवी जी अपॉन टी इक्वल टू एनआर है, एनआर कांस्टेंट होता है ना फॉर पर्टिकुलर गैस, तो हमने कहा P1V1/T1 = P2V2/T2, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इक्वेट कर सकते हैं, दोनों एक ही कांस्टेंट के इक्वल है, सही है। जी तो हमने कहा P1V1/T1 = P2V2/T2, अब इसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, P1 कितना था 1.02, ठीक है, टेम्परेचर आपका V1 कितना था 25 cm³, 25 डाल दिया, कैल्विन में टेम्परेचर कितना था 280 वो डाल दिया, P2 हमें फाइंड करना, ठीक है, और हमारे पास V2 कितना हो गया रिड्यूस होके 10 हो गया, 25 से 10 डाल दिया, टेम्परेचर 280 से 5 बढ़ गया तो 285 हो गया, सही है। यहाँ से P2 को हमने ड्राइव किया, P2 आ गया 2.6 × 10⁵ pascals, ठीक ठीक है। है अच्छा यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्योंकि ये पास्कल में है, ऐसा यूनिट है, ये 25 cm³ है, इसको हमने कन्वर्ट क्यों नहीं किया मीटर क्यूब में, ये भी फिर ऐसा यूनिट में होना चाहिए ना, जी इसको इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास P1 हाँ 25 cm³ है और P2 भी 10 cm³ में है, तो कन्वर्जन का फायदा नहीं है, दोनों कट ही जाएंगे वैसे ही, ठीक है ना, हाँ सही ठीक ठीक है। तो हमारे पास आंसर आता है 2.6 × 10⁵ pascals, जो कि आपका टेम्परेचर बढ़ गया 1.02 से 2.6 हो गया, सही है। तो जी हमने यही देखा था कि वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बढ़ गया प्रेशर, जो कि प्रूव भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी जनाब, अच्छा सर, आपको इस महीने की फीस मिल गई थी ना, अभी आपको हमें करवानी है। अभी करवानी है, ओके ठीक तो वहां पर अकाउंट नंबर तो है ना मेरा, ठीक जी सर, मैंने अब्बा को भेज तो दिया था, आप एक बार फिर से भेज दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो आगे चलते हैं। अच्छा थोड़ा यार सर्दी है, यार, अब हुई है थोड़ी सी, इस 2-3 दिन से हुई है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बारिश की वजह नॉर्मल है। हाँ, बारिश की वजह से से। बेटर हो गया मौसम,
अच्छा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सर्दी है, अच्छी सर्दी हाँ है, मतलब बर्दाश्त के ये काबिल हाँ है। तो बहुत सर्दी है फिर तो 3 लेयर्स पहन यहाँ रहे हो पे। तुम वहां पे? हाँ सर आप यही समझ लें, अभी अभी इस वक्त तो रात के मतलब अच्छा भाई, सेकंड पार्ट जो है हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 48 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 48 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1 × 10⁵ पास्कल, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 16 क्यों दिया हुआ है बताओ, ताकि आप मोल्स निकाल सकें, है ना, क्योंकि मास इन हाँ ग्राम तो दिया हुआ है, मोल कैसे निकालते हैं, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये एटॉमिक जी मास इसका गिवन है, ठीक है, ये कितना है 16 है और इसकी ग्राम्स कितने हैं, जी 48 मिलीग्राम, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना बन जाएगा, 48 × 10⁻³, है ना, क्योंकि मोल निकालने के तो लिए फॉर्मूला है ना, मोल अच्छा इक्वल्स जी टू जी सही मास इन सही ग्राम अपॉन हाँ मॉलिक्यूलर मास, 48/100 48 × 10⁻³, तो यानी कि 48/1000, मिली 10⁻³ जी माइनस थ्री होता है ना मिली, जी 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 ये पता है ना, डेसी 10⁻¹ होता है, जी सेंटी जी जी 10⁻² होता है, मिली जी टेन टू पावर माइनस जी थ्री और माइक्रो 10⁻⁶ और नैनो 10⁻¹, ठीक है, तो 48 × 10⁻³ कर दोगे तुम तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिवाइड कर दोगे 16 से जी तो मोज निकल आएंगे, ठीक है। अच्छा तुमसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है और तुम्हें मोज तुम यहाँ से निकाल लोगे और टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में, 273 ऐड कर दोगे इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 293 केल्विन हो जाएगा, सही है, 20 डिग्री है ना, जी केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो 273 ऐड कर दो, क्योंकि 0 डिग्री इक्वल्स टू 273 केल्विन, तो 273 + 20 हाँ इज 293 केल्विन, ठीक सही है। प्रेशर तुम्हें गिवन है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, तो हमने क्या क्या सबसे जी पहले टेम्परेचर कैलकुलेट किया 23 केल्विन, ऑक्सीजन फॉर्म्स डायटॉमिक ओ2 मॉलिक्यूल्स विद द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32, क्योंकि इधर दिया हुआ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये हम डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास से, और ऑक्सीजन हमें पता है कि डायटॉमिक गैस है, वो सिंगल ओ एग्जिस्ट जी नहीं करती, ओ टू में एग्जिस्ट करती है, तो ये हो जाएगा सही 32 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, तो आपने इसके जी मोल्स निकालने के लिए 48 × 10⁻³ डिवाइड बाई 32 किया, ये बन गया 1.5 × 10⁻³ मोल, ठीक है, तो अब आप अप्लाई कर सकते हो पीवीजी का एनआरटी, ठीक है, जी पी आपको गिवेन है 1 × 10⁻⁵ वॉल्यूम आपको निकालना है, मोल आपने कैलकुलेट कर लिया ऊपर, आर आपको पता है 8.31 होता है, टेम्परेचर आपने 293 निकाल ली, ये सब पुट कर दो वॉल्यूम निकाल लो, जी ठीक है, क्लियर है, नहीं कोई सवाल यहाँ तक जनरल गैस नहीं इक्वेशन सर सॉल्व, ठीक है। नहीं अब आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है जो गैस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पे बेस करती है, कि उनकी मूवमेंट कैसी होगी, उस मूवमेंट के बेसिस पे हम पोस्टुलेट्स बनाते हैं और उस पे फिर सवाल आते होते हैं हमारे, ठीक है, काइनेटिक का मतलब ही मूवमेंट होता है ना, जैसे काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन होता है। अच्छा इसमें सबसे पहला मॉडल हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन पढ़िए कभी, क्या होती है ब्राउनियम ब्राउनियन अच्छा ब्राउनियन, नहीं सर भूल गया रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सपेरिमेंट किया था स्मोक पार्टिकल्स के साथ, उस पर लाइट शाइन करवा के देखा था उसकी मूवमेंट कैसी होती है, तो उसने देखा तो उसने कहा ये गैस मॉलिक्यूल्स जो है ना रैंडम मोशन करते हैं, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह चल रहे होते हैं, तो इसने उनको देखते हुए ब्राउनियन मोशन बताई कि भाई दे मूव्स इन रैंडम वे, ठीक है, इसको हम फर्दर पढ़ते हैं, जी अ गैस मे बी मॉडल्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टाइनी अनब्रेकेबल पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स विच मूव रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड, द मॉलिक्यूल्स आल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर्स प्रोड्यूसिंग द प्रेशर, तो दो बातें कही कि भाई रैंडम मूवमेंट करते हैं एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड, जब वो कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं टकराने के बाद, ठीक है, तो पहले वो एक जी दूसरे से कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, फिर वो वापस रिपेल होकर एक दूसरे से जाएंगे और वॉल ऑफ द कंटेनर इनर वॉल ऑफ द कंटेनर गैस सिलेंडर पे जब टकराएंगे तब भी वो प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल के ऊपर, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, जी तो इसका मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने बताया कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज फॉर्म बाय टू प्रेशर्स, फर्स्टली
when gas molecules collide with each other and another when gas molecule collide with the wall of the container, inner wall of the container, theek hai. So at both time they produce a pressure because they apply a force by interior, that is pressure. So that constitutes the whole pressure of the gas molecules. अच्छा भाई, the first real evidence for the movement of particles in a fluid is Brownian motion. सबसे पहले Brownian motion ने ही इसकी हमें evidences दिए थे कि gas molecules कैसे move करते हैं. Small particles such as smoke particles suspended in a gas such as air can be seen to move in a random zigzag fashion. इन्होंने क्या किया? Smoke के particles gas के साथ एक flask में डाल दिए जो के वो थी क्या कहते हैं? बेसिकली ट्रांसपेरेंट बॉटल थी, ठीक है, और उस पर लाइट शाइन करा के देखा कि वो पार्टिकल्स कैसे मूव कर, क्योंकि गैस तो इनविजिबल होती है, पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, तो पार्टिकल्स गैस की वजह से मूव कर रहे होंगे, गैस उन पर प्रेशर लगा रहा होगा, तो उन पार्टिकल्स की मोशन से उसने ये प्रिडिक्ट किया कि ये गैस मॉलिक्यूल्स की भी मोशन ऐसी होगी, जाहिर है वही तो उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, है ना. सो दिस इज ड्यू टू द पार्टिकल्स बीइंग बॉम्बार्डेड बाय द वेरी मच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड. फ्लूड क्या है? गैस और लिक्विड दोनों को मिला के, मतलब फ्लूड नॉर्मली हम गैस पे भी कहते हैं और लिक्विड पे भी कहते हैं, यहाँ हम एयर और गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल स्पीड एंड प्रेशर एग्जर्टेड. अब हम कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स और कुछ इम्पोर्टेंट एजम्पशंस पर बात करेंगे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने गैस के बारे में बताई है, ठीक है. उसके उससे फिर हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है. आगे चलते हैं कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ड्राइव होगी और इसकी डेरिवेशन भी आती है पेपर में ड्राइव करने के लिए, ठीक है. सो टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन द गैस एंड द प्रेशर इट एक्सर्ट्स द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड टू शो द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल. सबसे पहले स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन द गैस एंड द प्रेशर इट एक्सर्ट्स द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड. क्या क्या अजम्पशंस है भाई? The forces between the molecules are negligible except during collision. Collision के अलावा कोई दूसरे force नहीं लग रही होती, करीब आते हैं जब collide करता है तो force लगाते हैं, हम उसी को consider करेंगे सिर्फ, कोई gravitation force को consider नहीं करेंगे इनके between, ठीक है. दूसरा है the volume of the molecule is negligible as compared with the total volume occupied by the gas. जाहिर सी बात है, total volume जो cylinder का होगा वो बहुत बड़ा होगा individual molecule के volume से. All the collision between the molecules and the between the molecules, all the collision between the molecules and between the molecules and the container walls are perfectly elastic. क्या मतलब हुआ इसका? Elastic क्या होता है? Momentum पढ़ा है AS physics में? जी जी. उसमें elastic? Kinetic energy conserve और ये नहीं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Elastic, perfect elastic collision में दोनों चीजें conserve रहती हैं. एक तो molecule की speed. सॉरी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और बताओ भाई मोमेंटम. एग्जैक्टली, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि भाई काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब ये कि उसने लॉस नहीं किया इसी में, जो काइनेटिक एनर्जी शुरू में थी टोटल वही बाद में. इसमें जरूरी है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि एक दूसरे से जब कोलाइड किया तो एक दूसरे पे इन्होंने वेलोसिटी एक्सचेंज कर ली, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम. इसका मतलब नो लॉसेस आर देयर, ठीक है, कोई एनर्जी कहीं लॉस नहीं हुई, ना हीट में ना साउंड में, ठीक है ना. रियल टाइम में तो होता है ना, अगर रियल मोशन हो तो एनर्जी लॉस होती है, यहाँ पर क्या इलास्टिक है तो इसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रही, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे, यानी कि दोनों कॉन्स्टेंट रहेंगे, टोटल वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. ये सब assumptions हैं क्योंकि ये real gas की बात नहीं कर रहे हम, ये हम ideal gas की बात कर रहे हैं, इसलिए assumptions दे रहे हम. The time spent in colliding is negligible as compared with the time between collisions. The time spent in colliding is negligible as compared with the time between the collisions. क्या मतलब हुआ उसका? Time spent in colliding is negligible compared to time between collisions. कितनी देर बाद वो कोलाइड कर रहे हैं उसको कंपेयर करो, कितनी देर के लिए कोलाइड कर रहे हैं,
कोलाइड तो थोड़ा कौन से करके हट जाएंगे ना, लेकिन फिर वापस कब आएंगे वो तो ज्यादा देर बाद आएंगे, तो इस बिटवीन इनका भी आपस में कंपैरिजन नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल है ना, क्योंकि दूर दूर है, रैंडम है, कभी कभार कोलाइड करेंगे, लेकिन जब कोलाइड करेंगे तो थोड़ी देर में अलग भी हो जाएंगे, तो वो टाइम बहुत नेग्लिजिबल होगा। सर ठीक है, ये सब याद रखना, ये पूछा जाता है। कर लेंगे सर यार। देर आर मेनी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स दैट मूव्स एट रैंडम, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स भी होंगे लेकिन रैंडम मोशन कर रहे होंगे, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती है ना गैस के अंदर। ठीक है, ओके, कंसीडर गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m इन क्यूबिक बॉक्स ऑफ साइड l ट्रैवलिंग एट अ स्पीड c पैरेलल टू द बेस ऑफ द बॉक्सेस। इतनी सारी बातें बता दी इन्होंने कि एक क्यूब है, इसको कंसीडर करते हैं डेरिवेशन के लिए, कि इस क्यूब के अंदर क्या है कि एक गैस मॉलिक्यूल है, उसका मास है स्मॉल l m, एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की भी बात कर रहे हैं, उसका मास स्मॉल m है, एक क्यूबिक बॉक्स के अंदर ये है, इसकी साइड्स l है, साइड की जो लेंथ है ना वो l है, सब आइडेंटिकल है, तीनों क्यूब है ना, क्यूबॉइड नहीं है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब है तो तीनों साइड्स इक्वल है, हाइट लेंथ विड्थ। ट्रेवल कर रहा है स्पीड c से, कोई स्पीड की वैल्यू c हमने अभी बता दी है, ठीक है, कोई भी वैल्यू होगी, पैरेलल टू द बेस ऑफ द बॉक्स, ठीक है भाई, जो बेस है ना इसके पैरेलल इस साइड पे मूव कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि व्हेन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद द राइट हैंड वॉल इट विल रीबाउंड विद द वेलोसिटी माइनस सी। जब यहाँ टकराएगा वापसी जाएगा तो वेलोसिटी तो सेम होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी वापस, अब एरो राइट पे तब एरो लेफ्ट पे हो जाएगा जब कोलाइड करके वापसी आएगा, तो है ना जी, तो पहले सी थी वेलोसिटी माइनस सी हो जाएगी, ये रिबाउंड वाला माइनस सी होगा ना। रिबाउंड वाला माइनस सी हो जाएगा, जी सही। तो चेंज इन मोमेंटम अगर कैलकुलेट करते हैं डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा, पहला मोमेंटम जो है वो एम सी है, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, तो ये एम सी हो गया, वापसी वाला माइनस एम सी हो गया। ठीक है, जी तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं चेंज के लिए, जी तो माइनस एम सी फाइनल है, माइनस एम सी माइनस प्लस एम सी, इनिशियल प्लस एम सी था, माइनस एम सी माइनस माइनस एम सी माइनस एम सी माइनस प्लस एम सी, इनिशियल तो प्लस एम सी था ना जो राइट साइड पे जाते रिमाउंट जी हुआ था, तो ये हो जाएगा जी माइनस एम सी माइनस एम सी, तो माइनस टू एम सी हो जाएगा, है ना, जी समझ में आ रही है ना जी बात। सर आप लिख लेंगे यहीं पे। हाँ अभी लिख देते हैं, जस्ट अ सेकंड, नजर आए तो बताना। देखो भाई पी आई है इनिशियल मोमेंटम, हो जाएगा तुम्हारा एम सी, ठीक है, फिर रिबाउंड होके जो आएगा फाइनल मोमेंटम वो हो जाएगा माइनस एम सी, चेंज ऑफ पी जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये हो जाएगा माइनस एम सी माइनस एम सी। यस ठीक 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 ये माइनस टू एम सी हो गया। जी अच्छा भाई, द मॉलिक्यूल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2L बिफोर कोलाइडिंग विद द वॉल अगेन सो दैट टाइम इलेप्स्ड इज 2L अपॉन c। कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक बार कोलाइड किया फिर वापसी कोलाइड करने तक, ठीक है, तो कितना ट्रेवल किया उसने, यहाँ से यहाँ तक l ट्रेवल किया, वापसी किया, एक और l ट्रेवल किया, यानी कि दो साइड ट्रेवल की ना उसने, तो कितना हो गया इसका डिस्टेंस 2L हो गया, और टाइम कितना हो, टाइम बेसिकली हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हुआ 2L और स्पीड कितनी हुई c, तो 2L अपॉन c आपका टाइम हो जाएगा। जी अब आप निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है ना, जी जी क्यों निकाला ये, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें अप्लाइड फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स देता है, ये हमने पढ़ा होगा इस फिजिक्स के मोमेंटम में,
क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स, है ना? जी तो हम ये इसलिए निकालें ताकि हमें अप्लाइड फोर्स पता चल जाए। पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए डेल्टा पी निकाला, अब टी निकाल लिया, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अप्लाइड फोर्स आ जाएगी। जी डेल्टा पी था तुम्हारा -2mc जी और टी जो है वो तुम्हारा है 2L/C। सही है, तो ये हमारा हो गया 2mc/12L/C। ये भी हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया है सिर्फ, माइनस नहीं, इग्नोर कर रहे हैं, भी मैग्नीट्यूड लिया है सिर्फ, ठीक है? जी तो ये इसको जब हमने कट किया, 2 से 2 कट गया, सी से सी जी स्क्वायर बन गया, ऊपर सी चला गया, सी स्क्वायर बन गया, तो ये रह गया mc²/L। दिस इज योर अप्लाइड फोर्स, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स बाय द मॉलिक्यूल ऑन दिस वॉल, ठीक है? ठीक जी। ओके, अब कहते अच्छा थे सर, अब ये बताएं, आप कंप्लीट कर लें फिर बात करते हैं। जी हाँ, द एरिया ऑफ द वॉल इज एल स्क्वायर। इस वॉल का, ये जो सामने वाली वॉल है, जो सामने दिख रही है फ्रंट पे, इसका एरिया एल स्क्वायर, जो लेंथ और विड्थ दोनों एल एंस की, तो एल स्क्वायर हो गया, सही है? जी तो जी अब हम इसका प्रेशर निकाल सकते हैं। सही प्रेशर है। कैसे निकालेंगे? फोर्स अपॉन एरिया से, फोर्स हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली, एरिया हमने यहाँ रख लिया, तो mc²/L को डिवाइड कर दिया एल स्क्वायर से, तो ये बन गया mc²/L³। ये 3 बताओ कहाँ से आया? एरिया एरिया 3L³ क्यों किया यहाँ पे हमने? एल क्यू एल स्क्वायर की जगह 3L² क्यों किया? ये तो यहाँ से एल आ जाएगा तो क्यूब बन जाएगा, लेकिन 3 कहाँ से आया? एक सेकंड, ये तो वो है ना फिर क्यूब। क्यूब है ना, इसकी 6 साइड्स होती हैं, तो जी हम 3 फेसेस ले लेंगे बेसिकली एरिया के लिए, एक फ्रंट, जी एक टॉप, एक साइड। जी एरिया 3 लेंगे ना, क्योंकि एरिया हम सरफेस एरिया लेते हैं, टोटल एरिया नहीं लेते, तो हमें जी तो जाहिर है पूरा बॉक्स कंसिडर करना है ना। हमने जी सिंपलिसिटी के लिए पहले एक फेस लिया, आप 3 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि तीनों एरिया सिमिलर हैं, तो एरिया हमारा हो जाएगा 3L², तो mc²/L जब डिवाइड होगा 3L² से, तो ये हो जाएगा mc²/3L³। ठीक है, ये आपका प्रेशर हो गया, क्योंकि हमें बेसिकली जो इक्वेशन बनानी है ना, वो प्रेशर की बनानी है। ठीक है, जी चलो। तो द मॉलिक्यूल बी कंसिडर्ड इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द टू फेसेस विद विच इट कोलाइड्स। इन प्रैक्टिस अ टिपिकल मॉलिक्यूल मूव्स रैंडमली एंड कोलाइड्स। तो हम मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते ना कि सिर्फ आप सामने वाले फेस से ही मूव करो, ये तो कहीं भी घूमता रहेगा, इसलिए हमने टोटल एरिया ले लिया, जी तीनों साइड्स का एरिया ले लिया। ठीक है, सही है। अब हम चलते हैं विद ऑल द 6 फेसेस, सो द टोटल एरिया इन्वॉल्व इज 3 टाइम्स दैट व्हिच हैज बीन कंसीडर्ड। सो इस वजह से हम सबको कंसीडर कर लिया ताकि सारे फेसेस कवर्ड हो जाए हमारे। प्रेशर इज mc²/3L³। अब बात करते हैं द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इन द बॉक्स इज n। अभी तो हमने एक मॉलिक्यूल पे बात की है ना, अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, हम कहेंगे भाई पूरे डब्बे में जरूरी थोड़ी एक ही मॉलिक्यूल हो, गैस के तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, हाँ तो हम तो पूरे टोटल गैस की बात करेंगे ना फाइनली। तो अभी तो हमने सिंपलिसिटी के लिए एक को कंसीडर किया ताकि हमने फिर टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने कहा भाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो अंदर मौजूद है ना गैस के, उसको हमने कैपिटल एन से डिनोट कर दिया, वो जितने भी होंगे बस कैपिटल एन है। ठीक है, हाँ ईच विद अ डिफरेंट स्पीड सी, हर किसी की स्पीड भी डिफरेंट होगी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग द ओवरऑल प्रेशर। So the average of the velocities squared is called the mean square velocity. Average of the velocity squared is called the mean square velocity. यहाँ c square है ना, हम c square नहीं लेंगे अब। अब हम जब टोटल की बात कर रहे हैं, तो हम ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है ना, ये बेसिकली एवरेज को डिनोट करता है। ठीक है, एवरेज को अगर रिप्रेजेंट करना हो ना, तो ग्रेटर देन लेस देन के साइन के अंदर किसी को वो कर दो, मतलब इनक्लोज कर दो सिंबल को, तो इसका मतलब आप जी उसका एवरेज ले रहे हो, सही है? सर और ऑलरेडी ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो हम कहेंगे दिस इज द मीन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज। एवरेज क्यों लिया, हाँ मीन क्यों लिया? क्योंकि हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्पीड होगी, कुछ की सेम भी होंगी, लेकिन हम टोटल मॉलिक्यूल्स की स्पीड को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। सर, आप रिपीट कर सकते हो, आपकी आवाज कट गई थी। मैं कह रहा हूं कि हम
जब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे तो हमने सिर्फ सी सी लिया था, अब हम टोटल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो सबकी वेलोसिटी सेम तो नहीं होगी ना, हर किसी की अलग अलग स्पीड होगी, तो हमने एवरेज वेलोसिटी ले ली इन सबकी, सबकी वेलोसिटीज को ऐड के डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किया तो हमने एवरेज वेलोसिटी मिल गई। तो उस एवरेज वेलोसिटी को हमने ब्रैकेट इसमें इनक्लोज कर दिया ताकि हम एवरेज को रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि यहाँ सी स्क्वायर था तो यहाँ मीन सी स्क्वायर है, यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या कहलाएगा ये, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको अगर हाँ कभी अगर ये ब्लैंक में आ जाए, कभी ब्लैंक तो खरीदेंगे, कभी लिखा हुआ आ जाए पेपर में व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो आप इसको कहोगे दिस इज द मीन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी सर, ठीक। तो अब ये इक्वेशन क्या बनती है भाई, इक्वेशन बनती है प्रेशर इक्वल टू 1.3 nm सी स्क्वायर मीन सी स्क्वायर अपॉन l क्यूब, n क्यू क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी सही, आपको कहते हैं l क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, l क्यूब जो है l into l वॉल्यूम हो गया क्यूब का जी, तो l क्यूब को आप v से रिप्रेजेंट कर दो, वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि डेटा में हमें वॉल्यूम दिया हुआ होता है गैस का। हाँ सही जी, ठीक है सो इट इज तो समटाइम पी यूज्ड भी हो जाएगा p इज इक्वल टू 1/3 nmc स्क्वायर अपॉन v, इट इज समटाइम यूजफुल टू राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस। किस तरह हो गया भाई 1/3 nm c square upon v और nm p is equals to 1/3 nm c square, ये दोनों फॉर्म्स यूज होती हैं, ये भी यूज होती है और ये भी यूज होती है। ठीक है ये प्रेशर की है, ये pv की है। ठीक है ठीक, इसको कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन ऑफ आइडियल गैसेस। सर m क्या था, मास, मास ऑफ द गैस, गैस मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल का मास लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई किया टोटल मास आ जाएगा। सही। अरे सर मैं क्या बोल रहा था, मैं सर बोल रहा था, अच्छा भाई ये देखो जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है इसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है हमारे पास, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर 293 केल्विन है और टेम्परेचर जो है वो तुम्हारा वो प्रेशर जो है वो कितना 1.0 इंटू 10^5 पास्कल, इससे क्या पता चला रूम टेम्परेचर हम 20 डिग्री को ले रहे हैं। ठीक है ना, कभी भी रूम टेम्परेचर आए और स्पेसिफाई ना भी हो तो आप 20 डिग्री लेना, 20 डिग्री का मतलब 293 केल्विन। ठीक है जी, और प्रेशर हमेशा यही होगा रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में, प्रेशर होगा 1.0 इंटू 10^5 पास्कल, ये बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है ये दोनों याद रख लेना। ठीक है जी and one mole of any gas occupies a volume of 24 dm cube decimeter cube, so mole kitne ho gaye 1, volume kitna ho gaya 24 decimeter cube. keh rahe hain calculate the root mean square of the velocity of the following at this temperature, yani ke tumhe c square bracket calculate karna hai root mean square ye wala, theek hai na, jo abhi humne padha tha। acha part a mein kehte hain helium atom hai, atomic mass hai 4u, ठीक है दूसरे में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटॉमिक मास है 16 u, लेकिन खुद ही इन्होंने मास ऑफ O2 बता दिया क्योंकि डायटॉमिक है, हीलियम जो है वो मोनोटॉमिक है तो हीलियम में हम 4 ही यूज करेंगे मास, लेकिन ऑक्सीजन में हम 32 यूज करेंगे क्योंकि डायटॉमिक होती है। सही है क्लियर है। अच्छा अच्छा अब हम अपना जो है वो फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, हम कहते हैं भाई आपको सबसे पहले पूछा गया है रूट मीन, तो आप nm ने कैलकुलेट कर लो सिंपलिसिटी के लिए, nm कितना टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, तो 1 मोल ऑफ हीलियम का मास कितना होगा 4 × 10^-3 kg, 4 u है ना, amu भी कहते हैं और u भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये 4 × 10^-3 kg हो जाएगा, तो -3 के से ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि ग्राम में रह जाएगा, यानी 4 ग्राम रह गया बेसिकली। ठीक है सही, हमारा फॉर्मूला आ गया पी इक्वल टू 1/3 nm c स्क्वायर अपॉन v, c स्क्वायर को हमने सब्जेक्ट बना लिया क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, 3 हमने लेफ्ट साइड पे भेज दिया 3p हो गया, v भी लेफ्ट साइड भेज दिया 3pv हो गया, nm को डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई जी, अच्छा भाई 3 इंटू प्रेशर, प्रेशर हमें गिवन है यही 1 × 10^5 और v कितना है 24 decimeter cube, डेसीमीटर क्यूब को आपने कन्वर्ट किया, आपने कहा 24 × 10^-3 और डिवाइड किया आपने इसको nm से। ठीक है भाई जी,
डेसीमीटर क्यूब माइनस थ्री कैसे हुआ? चलो ये पता है, क्या सर? 24 डेसीमीटर क्यूब है ना, माइनस जी थ्री कैसे हुआ ये बताओ। सर, डेसीमीटर क्यूब, एक सेकेंड, डेसी तो माइनस वन होता है, नहीं जी तो फिर ये माइनस थ्री कैसे लिखा हमने? कन्वर्जन कन्वर्जन तो है, डेसी तो 10 की पावर माइनस वन होता है ना, जी। लेकिन ये डेसीमीटर नहीं है, डेसीमीटर क्यूब है, तो माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा ना, अच्छा और अच्छा अच्छा पावर सही पावर ऐड हो सही जाती है ना, जी। ठीक है। और नीचे क्या है, 4 × 10⁻³, ठीक है, ये जी nm है, ये सबको डिवाइड कर लोगे आंसर आ जाएगा 1.88×10⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जी ठीक है भाई, जी ये आपका सी स्क्वायर हो गया। इसका यूनिट ड्राइव किया आपने मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, कैसे? इसका यूनिट भी पता होना चाहिए ना, आपने कहा भाई n तो कांस्टेंट है, ये m जो है वो आपका जो है वो मास है, नीचे वॉल्यूम है आपका, आपने कहा ये होती क्या है, ये होती है स्पीड, जब स्पीड है तो ये मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन क्योंकि स्पीड स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगी, अगर ये सी स्क्वायर ना होता ना, सिर्फ ब्रैकेट में सी होता जी तो मैं इसका यूनिट लिखता मीटर पर सेकंड, लेकिन क्योंकि ये सी स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना, है तो स्पीड लेकिन स्पीड का स्क्वायर है, तो दोनों को हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सही जी अच्छा आपसे कहा है द कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर द वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर, आपके पास स्क्वायर था खाली, रूट मीन के लिए आपको उसका रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, जब जी इसका आप रूट लोगे तो ये कितना बन जाएगा, 1342 मीटर पर सेकंड, जब रूट ले लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, अब यूनिट चेंज हो गया, यूनिट से भी स्क्वायर और मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा, मीटर पर सेकंड रह जाएगा सिर्फ, ये हो गया 1342 मीटर पर सेकंड, राउंड ऑफ किया तो 1302 सिग्निफिकेंट, करने की जरूरत नहीं, अगर कहा नहीं जाए तो नहीं करना, ठीक है। ठीक जी सेकंड पार्ट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए कहा गया, उसी तरह ऑक्सीजन के लिए भी एनएम कैलकुलेट करो, टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 32 × 10⁻², यानी कि 32 × 10⁻³ होता है, इन्होंने 3.2 × 10⁻² ले लिया, एक ही बात है, ठीक है ना, जी या तो 32 × 10⁻³ लिख सकते थे या तो 3.2 × 10⁻² लिख सकते हो, एक ही बात है। अब आपने डिवाइड किया 3 pV वही थे, नीचे nm से डिवाइड कर दिया, इतना आ गया, ये सी स्क्वायर आ गया 2.25 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अब इसका भी रूट लेना, रूट लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड आ गया 470, इस वैल्यू का रूट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ सवाल में गिवन है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर, हमने क्या किया, हमारे फॉर्मूला में स्क्वायर है, मीन स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर नहीं है, ये मीन स्क्वायर है ना, ये ब्रैकेट और सी स्क्वायर, तो ये मीन स्क्वायर, हमने इसका रूट आखिर में ले लिया तो आंसर ये आ गया, ठीक ठीक है। ठीक है यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर, सर आज के लिए बस। चलो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट टाइम हम जो है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इसकी, ठीक है, ठीक है सर। चलो। सर अगली क्लास अब पता नहीं कब होगी, पर अगर नहीं हो सकती तो आप पर रिकॉर्डिंग ही कर दीजिएगा फिर। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा, तुम मुझे कंफर्म कर देना, मतलब बिटवीन वेडनेसडे थर्सडे, अगर नहीं होती तो मैं फ्राइडे सैटरडे संडे ओके सर, तीनों दिन की रिकॉर्डिंग बना के तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है।